और कानपुर के बिकरू कांड के कुछ और ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिनमें शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के एसपी ग्रामीण के बीच बातचीत कैद है। इस वीडियो ऑडियो की पुष्टि एबीपी गंगा तो नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि विकास दुबे और तत्कालीन चौबेपुर एसओ के संबंधों को लेकर सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपी ग्रामीण को जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, ऑडियो क्लिप में तत्कालीन कानपुर एसएसपी अनंत देव तिवारी मुखबिरी के आरोपी में गिरफ्तार तत्कालीन चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के संबंधों का भी जिक्र है। अच्छा, इन दोनों का गांव एक ही है क्या सर? दोनों का गांव एक ही है क्या? इन दोनों का जो वादी है और दूसरा पक्ष है? हाँ, वही कहा सर। गांव अलग अलग है कि एक ही है? ये जो है बिल्कुल लगा हुआ है, एक है सर, लगा हुआ। अच्छा। आसपास के है, एक ही है सर। गांव में फोर्स भी लगाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा, है ना? फोर्स लगाने की तो जरूरत पड़ेगी सर, लग जाएगा, कोई साथ नहीं। एसओ का एसओ से एसओ शायद कह रहे हैं कि आप आ जाइए तब मैं जाऊंगा, तब इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ, तब जाएंगे, तब निकलेंगे वो। अरे परेशान मत होइए, बस बहुत जल्दी जो है ना। जी सर। इनका सबको वारंट है, पहले तो लिस्ट तैयार कर रहा हूँ ना, जो जो कर रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा होगा गिरफ्तार करिए, तो अभी जो है तुम मुझसे कह रहे हैं कि आप आइए, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं, दो तीन साल पूछ लीजिए, इनको दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना? अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर। आप आइएगा ऐसा ना, अभी एक गजेटेड ऑफिसर साथ बैठक करेंगे, है ना? जी सर जी। तो अच्छे अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना? नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर, ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। अच्छा। हाँ, ये उसके पैर छूता है। एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे, तो चार पूरे साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो पहले अच्छा। हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया, मैंने कहा थाना चलाओ, 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में, दो चार को जो है थाना चलाओ। बता रहे बस बस, अब सारे लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बोलना सीख गया था। अब कल 10 मिनट आपका टाइम सर लेंगे, मैं बताऊंगे इसके बारे में क्या क्या है। ये अभी एक आपने रिपोर्ट दिया है ना, एक आपने रिपोर्ट दिया था जिस पर सीओ ने कोतवाली को जांच करके मुक्त कर दिया था। हाँ, मुक्त कर दिया इसको, तो मैंने कल ही कहा है। नहीं सब, अरे वो तो न जाने क्या क्या मुक्त किया सर, मैं कल 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा सर बस। तो सवाल यही है कि अगर वक्त रहते, सीओ बार बार बता रहे थे, अगर उस बात पर गौर कर लिया जाता तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता और 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को बचा लिया जाता।